हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अपडेट निकल के सैमसंग की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी M01S और गैलेक्सी वॉच 3 जल्द भारत में हो सकते हैं लॉन्च। तो दोस्तों आइए, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आई है। BIS लिस्टिंग के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 के संभावित फीचर्स की बात करें तो ये टाइजन OS वर्जन 5.5 के साथ आ सकता है। अपने पिछले मॉडल की तरह इसमें भी रोटेटिंग बेजल दिया जा सकता है। साथ ही इसमें स्लिम डिज़ाइन और बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। गैलेक्सी वॉच 3 स्मार्ट वॉच में 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। पिछले गैलेक्सी वॉच की तरह ये IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये MIL STD 810G कंप्लाइंट डिज़ाइन के साथ आ सकता है, जो इसके रंग डिनेंस और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकता है। और दोस्तों, गैलेक्सी M01S की बात करें तो ये सर्टिफिकेशन वेबसाइट की लिस्टिंग में इसके किसी भी फीचर्स के बारे में कोई जानकारी रिवील नहीं की गई है। GSM Arena की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मीडिया टेक हेलियो P22 प्रोसेसर दिया जा सकता है। साथ ही ये एंड्रॉयड 9P पर आधारित सैमसंग वन UI 1.0 के साथ आ सकता है। फ़ोन 3 GB रैम ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फीचर्स को देखकर यही लग रहा है कि कंपनी अल्ट्रा बजट रेंज ₹10,000 से लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, ये आपकी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।